आज हमने घर में बनाया न्यूली मदर्स के लिए अदरक का रसा, जिसे आप सर्दियों में न्यूली मदर्स को महीना सवा महीना तक बड़े आराम से दे सकते हैं। उसका खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा, गर्मी भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, और जो दर्द होते हैं, पेंस रहते हैं थोड़े हल्के फुल्के डिलीवरी के बाद, उनमें भी बहुत हेल्प करेगा। और इसे नॉर्मली हम लोग भी खा सकते हैं सर्दियों में, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। बनाना शुरू करते हैं अदरक का रसा। इसे आप पूरी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आजकल अदरक बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम उससे ये रेसिपी बनाएंगे। ये आपके हल्के फुल्के शरीर में दर्द है, खांसी जुकाम है, और न्यूली मदर्स के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छी है ये सब्जी। ये सब्जी की सब्जी और गर्मी पूरी देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए खाना भी ज़्यादा खाना पड़ता है, उसे पचाने के लिए फिर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अदरक उनमें से एक है। मैंने ये 100 ग्राम अदरक लिया है, जिसको मैंने अच्छे से पील कर लिया, और अब इसको मैं कद्दूकस करूँगी। मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के लिए आप बिल्कुल बारीक कद्दूकस का इस्तेमाल करें, और अगर कद्दूकस करना आपको लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है, तो इसे आप मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब हम इससे कुछ सब्जी को अपनी बनाएंगे। ज़्यादातर सब्जी हम तेल में बनाते हैं, लेकिन इस सब्जी को हम घी में बनाएंगे, क्योंकि ये हम न्यूली मदर के लिए बना रहे हैं। इस सब्जी को वैसे भी घी में ही बनाया जाता है। ये बड़े चम्मच, 2 चम्मच मैंने घी डाला। घी हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा और हींग। सब मसाले जो हमने डाले हैं, ये गर्मी देने वाले हैं, इनको क्रैकल होने देते हैं। और इस सब्जी को घी में ही बनाएं, कभी भी तेल में ना बनाएं, ये घी में ही बनाई जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो अदरक हमने कद्दूकस करा है, इसको डाल देंगे और इसको भूनेंगे। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सौंठ से भी बना सकते हैं। इसे सौंठ की सब्जी भी कहा जाता है। 1/2 चम्मच सौंठ भी डालूंगी, सूखा अदरक का पाउडर जिसको बोलते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा देर तक अदरक को भूनते हैं तो कड़वा हो जाता है। सब्जियाँ भी बनाते हैं हम, आपने देखा होगा सब्जियों में हम अदरक को ज़्यादा नहीं भूनते, प्याज भुनने के बाद डालते हैं, जिससे कि हमारा अदरक कड़वा ना हो। बस इसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड के लिए सौते किया। ये मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी और इसको हम हल्का सा उबालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना नमक डालना है उसका 1/2 काला और 1/2 रेगुलर, हल्की सी हल्दी, बस यही मसाले डालेंगे इसमें, और इसको हम पकने देते हैं, हल्का सा उबाल आने देते हैं। और ये बॉल में मेरे थोड़ा सा अदरक लगा हुआ है, अदरक के साथ साथ इसमें जूस भी है अदरक का, तो मैं ये सब अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँगा। इसमें मैंने लगभग 2.5 कटोरी पानी डाला है, 100 ग्राम अदरक है मेरा। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी दही। दही फिटा हुआ होना चाहिए, और दही डालते ही इसको आप लगातार चलाएं, दही फटनी नहीं चाहिए। अगर फट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें ना फटे। अब इसको हम लगातार चलाते हुए उबालेंगे। अगर आपके पास बटर मिल्क है तो आप पानी की जगह 3 कटोरी बटर मिल्क डाल सकते हैं। मैं इसको धो के भी थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा पका लूँगी। मैंने बॉल को धो के पानी डाल दिया, दही जो लगी थी वो भी सब इसमें आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सब्जी को आप कभी भी तेल में ना बनाएं, पहली बात तो, क्योंकि हम न्यूली मदर के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें तेल का उपयोग नहीं करते, क्योंकि तेल नहीं दिया जाता, घी खिलाया जाता है न्यूली मदर को। और वैसे भी इसका टेस्ट घी में ही आता है, तेल में बनाने से नहीं आता। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि इसको अदरक का रसा कहा जाता है। देखिए अदरक जो हमने अजवाइन और जीरा डाला था वो तैर के ऊपर आ गया, अच्छे से क्रैकल होता है, मसाला भुनता है तो आपकी सब्जी में ऊपर तैरने लगता है, घी भी ऊपर तैरने लगा। ये देखिए इस समय आप अपनी सीजनिंग चेक कर सकते हैं, हमने इसमें मिर्च तो डाली नहीं, अगर डालनी भी है तो थोड़ी सी काली मिर्च,
क्योंकि काली मिर्च भी गर्मी देती है और न्यूली मदर को काली मिर्च खिलाई जाती है, लाल मिर्च नहीं दी जाती इस या हरी मिर्च नहीं दी जाती, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है। आप चाहें अगर आप न्यूली मदर के लिए नहीं बना रहे, अपने घर में यूज़ करने कॉमन यूज़ के लिए जैसे हम सब लोग खाते हैं उस तरह से टेस्ट इन्हेंस करने के लिए बना रहे हैं, एक अलग सी सब्जी हो जाती है उस हिसाब से बना रहे हैं, तो आप इसे में लाल मिर्च या हरी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि ये न्यूली मदर के लिए बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करूँगी। अब इसमें आप एक नींबू का रस डालिए, नींबू का रस खटास देने के लिए मैं एक नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चम्मच से नाप के डालना चाहें तो चम्मच से नाप के डालें, और नींबू डाल के चीज़ को ज़्यादा पकाया नहीं जाता ये हम सभी जानते हैं। तो बस इसको अब हम फिनिश करेंगे। अच्छे से अदरक को मिला दिया और इसको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। आपका अदरक का रसा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और इसमें डाला जाता है हरा धनिया, हरा धनिया डालें। हमारा अदरक का रसा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट तो अवश्य ही कीजिए, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए हमारा अदरक का रसा बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे अब खाइए और बताइए कैसा बना। खुशबू तो इसमें लाजवाब आ रही है। थैंक यू।